हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 टेस्टी फूड। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वाटरमेलन का जूस। समर का सीज़न है और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो आपके शरीर को तरोताज़ा कर देता है। गर्मी के दिनों में इसे रोज़ इस्तेमाल करें और ये बड़ी आसानी से बन जाता है। इसे बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए वाटरमेलन का जूस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये वाटरमेलन ले लिया है और इसके छोटे पीसेस कर दिए हैं। एक मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है, इसमें मैं सारा वाटरमेलन डाल देती हूँ। कुछ यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, इसे भी इसी में डाल देती हूँ। और आधा छोटा चम्मच काला नमक। अब इन सबको एक बार हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने सारा इसको एक बार चला लिया है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, इसको छन्नी की सहायता से इसका सारा जूस इधर से निकाल लेते हैं। इसे चम्मच की सहायता से आप इस तरह से चला दें तो ये जल्दी निकल जाते हैं। और ये देखिए, जूस अलग हो गए हैं। अब इन सबको मैं हटा देती हूँ। अब इसमें मैं एक छोटा नींबू का आधा टुकड़ा मैं इस पर डाल देती हूँ। ये नींबू के रस मैंने इसमें डाल दिए और इसको चम्मच से थोड़े से मैं ऐसे चला दूँ इसे। और ये हमारा वाटरमेलन जूस तैयार है। इसको मैं अब ग्लास में निकाल लेती हूँ। मैंने तरबूज को छोटे छोटे काट लिए हैं, उसको मैं थोड़े से ग्लास में डाल देती हूँ। अब मैं जूस डाल दे रही हूँ और थोड़े से और तरबूज के टुकड़े में ऊपर भी डाल देती हूँ। अब मैं आइस डाल दे रही हूँ और ये हमारा वाटरमेलन जूस बनकर तैयार है। और बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी से बन जाता है। तो इसे एक बार आप ज़रूर बनाइए और गर्मी में इसे रोज़ पिए। इससे आपके बॉडी को बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा मिलता है। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।